प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की 15वीं और केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन को लेकर केरल के लोगों में काफी उत्साह देखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम पर टिकटों की बुकिंग शुरू होते ही इसके ज्यादातर टिकट कुछ ही घंटों में बिक गई थी। ये ट्रेन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच चलेगी और राज्य के 11 जिलों से होकर गुजरेगी। इसकी कमर्शियल सर्विस 26 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। केरल में वंदे भारत शुरू होने के साथ ही दक्षिण के सभी राज्यों को इस अत्याधुनिक ट्रेन की सौगात मिल गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पहले ही वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। रेल अधिकारियों के मुताबिक ये ट्रेन 510 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में पूरी करेगी। केरल में ट्रैक की स्थिति को देखते हुए इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। वैसे ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है।